शब्द है, उसमें से जो प्रत्यय है उस प्रत्यय के कारण जो वर्ड बनते हैं उसके बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत के उपसर्ग और अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग। तो यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 73 पे एक बॉक्स दिया गया है, उसी बॉक्स के अंदर हिंदी के हैं, यहाँ पे संस्कृत के हैं और ये हैं वो उर्दू फारसी के हैं। तो पहले हम संस्कृत के जो उपसर्ग थे उसके बारे में देखें।
चेंजेस आता है और उसके जुड़ने के कारण नए शब्द बनते हैं, उसी शब्द को हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम देखें तो अलग अलग जो प्रत्यय के रूप प्रकार हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो टोटल हम देखें यहाँ पे तो पांच प्रकार बताए गए हैं। एक कर्तुवाचक यानी कि कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक प्रत्यय, जो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस प्रत्ययों का यूज हमें करना है। आपको घर पे इसे रिवाइंड करके पहले शब्द का जो एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।